मुजफ्फरपुर स्थित आगानगर गांव में ब्राइट फ्यूचर संस्था के द्वारा क्रिप्टो रिलीफ फंड के तहत बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राशन एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान ब्राइट फ्यूचर संस्था के सचिव रंजन कुमार गिरी ने बताया कि इस क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि यहां लोग बाढ़ एवं जल जमाव से अस्त व्यस्त हैं, सबका जीवन प्रभावित हो चुका है। ऐसे में लोगों को मूलभूत सुविधाओं जैसे खाना पीना, स्वास्थ्य एवं आवागमन के लिए भी जूझना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए हमारी संस्था ने मुजफ्फरपुर स्थित आगा नगर गांव में क्रिप्टो रिलीफ फंड के तहत बाढ़ पीड़ित 50 परिवारों के बीच राशन एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि हमारी संस्था बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी समेत कई प्रदेशों में भी शिविर का आयोजन कर लोगों का कठिनाई दूर कर रही है एवं लोगों की जरूरत को भी पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही है। इस दौरान संस्था के लोगों ने सभी सक्षम लोगों से इस त्रासदी की घड़ी में जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने की अपील भी की। सामग्री वितरण कार्यक्रम में रंजन कुमार गिरी के साथ कार्यकर्ता पंकज राय, संतोष कुमार, मुकुल राय, चंदन कुमार, मोफत लाल समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी तक कुल कितने लोगों को आप दिए? अभी तक हम लोग लगभग 10,000 लोगों को राशन की और मेडिकल सुविधा मुहैया करवा चुके हैं, जहाँ तक हम लोगों का मदद मिल पाया। यहाँ पर क्या क्या सुविधा आपको प्रदान करने जा रहे हैं यहाँ की जनता? यहाँ की जनता को अभी तो हम लोग राशन किट प्रोवाइड किए हैं, और जो भी जिनका भी छत नहीं है, जिनके ऊपर उनके घर में पानी घुस गया है, रहने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए सेंटर का भी इंतजाम कर रहे हैं और मेडिकल टीम को हम लोग जल्दी कनेक्ट कर रहे हैं, जितना जल्द हो उतना जल्द यहाँ पे मेडिकल टीम आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं ना कि पानी लगने के कारण डिजीज डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हो रहा है। तरफ से हम लोग के सुविधा मिला है राशन खाने के लिए, तो हम लोग